वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मनीषा मनमौजी का प्यार भरा नमस्कार। क्योरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। चंपा बहन ने जो तुलसी का प्लांट दिया था, इट्स नाउ टाइम टू पुट दिस प्लांट इनटू अ बिग पॉट। तो एक पुराना ये पॉट मैंने ढूंढा और अभी माइटर 10 से ये लेकर आई हूँ, एप्सम सॉल्ट एंड सम पॉटिंग मिक्स। तो अभी माइटर 10 से जाकर मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई, लेकिन इसके पीछे जो ड्रामा हुआ, लेसन लर्नड। Any unbearable hours later. Let's make good use of this sunny weather today and let's do some gardening and I'll try to revive some plants which are dying. तो मुझे माइटर 10 में नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, एज यूजुअल क्लिक एंड पिक। मैंने जब ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसे कि कोरोना की वजह से यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फिर पिक करते हैं, लॉकडाउन में पिकअप डिलीवरी है, हम लोगों को कार से उतरने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन जब भी माइटर 10 में आप ऑर्डर प्लेस करें, मेक श्योर दैट यू आर प्लेसिंग ऑर्डर इन द राइट ब्रांच। मैंने ब्रांच की तरफ ध्यान नहीं दिया एंड आई जस्ट प्लेस ऑर्डर, और वहाँ जाकर ये पता चला कि मेरा ऑर्डर तो मिल ही नहीं रहा। तो गलती से मैंने मानुका ब्रांच में ऑर्डर कर दिया एंड आई वाज होपिंग कि सेंट्रलाइज सिस्टम हो। थोड़ी देर के बाद जाकर पता चला कि ये ऑर्डर तो मानुका ब्रांच का था। तो जब भी ऑर्डर प्लेस करें, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग द राइट ब्रांच, क्योंकि माइटर 10 अभी तक सेंट्रलाइज नहीं है। तो एक पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी ब्रांच में ही जाकर पिकअप करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी ही गलती हुई थी और इस बार फिर शिट। कभी कभी कोई कोई दिन ही गंदा चढ़ता है। पहले मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ रॉन्ग प्लेस में, फिर मैं दूर ड्राइव करके आती हूँ उस ऑर्डर को पिक करने में, एंड देन आई रियलाइज कि जो मैंने पॉट का साइज ऑर्डर किया है वो फोटो में बड़ा लग रहा था वेबसाइट पे, एंड इट इज वेरी स्मॉल पॉट विच डजंट सर्व द पर्पज ऑफ कमिंग ऑल द वे हियर। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवेज, दिन की शुरुआत बहुत बकवास ढंग से हुई है, तो आई होप कि आगे भी दिन अच्छा जाए। तो चलो कोई बात नहीं, ऑन अ पॉजिटिव नोट, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो अभी गार्डनिंग ग्लव्स तो नहीं मिल रहे, एक ही पॉट का काम है, तो मैं ये डिस्पोजेबल ग्लव्स उन्हीं से काम चला लेती हूँ। आधा पॉट फिल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल देती हूँ, एज गिवन टिप बाय स्वप्ना। अगर आपने इनका चैनल स्वप टू ग्रीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्वप टू ग्रीन इज अ चैनल ऑन गार्डनिंग एंड शी गिव्स ब्यूटिफुल टिप्स ऑन डेली लाइव्स एंड हेल्दी लिविंग एंड मेकिंग गुड यूज ऑफ ग्रीन्स इन आर डे टू डे लाइफ। सो शी इज गिवन मी टिप हाउ टू टेक केयर ऑफ तुलसी प्लांट्स। तो ज़्यादा मुझे प्लांट्स के बारे में पता नहीं है, तुलसी के प्लांट का उसने मुझे बताया कि तुलसी का प्लांट ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे धूप भी मिले लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं आए। अगर एप्सम सॉल्ट उसमें मिला दिया जाए तो इट्स गुड बिकॉज इट्स इट हैज़ मैग्नीशियम। तो थोड़ा ये एप्सम सॉल्ट मैंने स्प्रेड कर दिया है मिडवे में। गर्मा गर्म स्वाद आलू की टिक्कियां बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक तड़का बनाया है जिसमें मस्टर्ड सीड्स, गार्लिक, पीनट्स, ग्रीन चिलीज, बाहर बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत रेनबो आज दिख रहा है मुझे अपनी विंडो से। ऊपर से ज़्यादा दिख रहा है, नीचे जाके आपको दिखाती हूँ फुल रेनबो।
got a new look. Now that's kind of boring.